सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप AIFF अंडर 13 JFC वर्सेस कॉर्बेट FC के बीच JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह के 7 बजे 27 तारीख को मैच खेला जा रहा है 7v7 और मैच प्रारंभ। वो एक अच्छा मौका और विट की तरफ से था, गवा चुके। अंडर 13 में रूल रेगुलेशन चेंज है, आपको दो रेफरी देख सकते हैं मैच खिला रहे हैं। इसे लाइनमैन का कोई रोल नहीं है, रेफरी जो रहेंगे वही लाइनमैन का भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ इधर देख सकते हैं, एक तरफ वो देखिए उनके दूसरी छोर में, जैसे हॉकी में होता है वैसे। और भी FC की टीम एक गोल से अभी लीड ली हुई है। बहुत ही बेहतरीन बचाव। एक और मैं बता दूं, हॉकी में जैसे कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं प्लेयर, वैसे इस फॉर्मेट में भी प्लेयर चेंज होते रहेंगे। और बेहतरीन दूसरा गोल और भी FC।
जेएफसी की तरफ से एक और परिवर्तन, 9 नंबर खिलाड़ी बाहर जाते हुए 3 नंबर खिलाड़ी इन होते हुए। जेएफसी 1 कॉर्बेट एफसी 3। 7v7 अंडर 13 सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मध्यांतर तक इसको जेएफसी 1 और कॉर्बेट एफसी 3। मध्यांतर के बाद दोनों टीम ग्राउंड में प्रवेश करते हुए, अपने दर्शकों को बता दूं कॉर्बेट एफसी 3 गोल, वहीं जेएफसी की टीम ने 1 गोल अभी किए हैं मध्यांतर के पहले। मध्यांतर के बाद मैच प्रारंभ हो कुछ ही क्षणों में, देखते हैं कैसा और प्रदर्शन रहेगा। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर, 7v7 सब जूनियर अंडर 13 फुटबॉल चैंपियनशिप 7v7। उसे और ये मैच प्रारंभ, बाई ओर एक रेफरी और एक दाई ओर रेफरी और असिस्टेंट, टोटल 3। गोलकीपर के द्वारा लॉन्ग किक, कॉर्बेट एफसी का एक कॉर्नर किक, कॉर्बेट एफसी के प्लेयरों का हाइट काफ़ी, हाइट के चलते उनको हेडिंग काफ़ी उनका अच्छा है। वहीं जेएफसी टीम के प्लेयर बात करें तो हाइट उनका कॉर्बेट एफसी के मुकाबले का कम है। लॉन्ग थ्रो गोलकीपर सारे आउट, और ये चौथा गोल कॉर्बेट एफसी के द्वारा। बहुत ही अच्छा बचाव गोलकीपर के द्वारा जेएफसी के, फॉल थ्रो और भी टेप्सी के पास बॉल, अच्छा डिफेंडिंग टैकल, देखते हैं बिल्डअप प्ले और आउट। अरे पांचवा गोल, कॉर्बेट एफसी के द्वारा पांचवा गोल। जेएफसी टीम के पास बॉल, बॉल पासिंग अगर बात करूं तो जेएफसी टीम के पास बॉल पासिंग काफ़ी बढ़िया है। वहीं कॉर्बेट एफसी की बात करूं, तो
काउंटर अटैक पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और उनका एडवांटेज ये है कि हाइट एडर काफ़ी उनका टीम का बेहतर है। और ये छठा गोल, खैर जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। फॉल थ्रो, शानदार बचाओ, रोहित राज सर हेड कोच अंडर 13। काफ़ी बेहतरीन प्रयास, क्रॉस बॉल्स बॉल टकराते हुए गोलकीपर को बीट कर गई थी यह शॉट। एक और अच्छा बचाव गोलकीपर के द्वारा, कॉर्बेट एफसी के लगते हैं कोच ने कहीं लॉन्ग पास देने के कुछ अपना टेक्टिकल प्ले बनाया है गोलकीपर के द्वारा अपोनेंट के गोलकीपर में, बिल्डअप प्ले उनका प्रोग्राम नहीं है। हाँ लेकिन वेरिएशन में बहुत ट्राई कर रहे हैं। कॉर्बेट एफसी के गोलकीपर का काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। फिर से ये टेक्टिकल प्ले, नहीं अभी अभी कुछ चेंज किए हैं। एक और परिवर्तन जेएफसी के द्वारा, 9 नंबर खिलाड़ी इन, अपने दर्शकों को बता दूं यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने का अलाव नहीं है, है भी तो काफ़ी अब दूर से करना होगा, जिसके चलते मुझे रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे वीडियो काफ़ी हिल रही है,
एक फ्री किक जेएफसी टीम को अंडर 13 प्राप्त होते हुए, देखते हैं इसे गोल में भुना पाते हैं नहीं। कैचिंग प्रैक्टिस, लॉन्ग थ्रो की तैयारी, डायरेक्ट डी बॉक्स में थ्रो, काफी बेहतरीन बचाव। लॉन्ग थ्रो, दूसरा मैच श्रीनिधि डेकन की टीम वार्मअप के लिए तैयार। दोनों ही टीम सेकंड मैच के लिए वार्मअप तैयारी करते हुए, सेवन बी सेवन अंडर 13 सब जूनियर नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट क्लब जेएफसी वर्सेस कॉर्बेट एफसी के बीच मुकाबला। जेएफसी 1 कॉर्बेट के टीम 6 गोल। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर, दोनों टीम वार्म अप करते हुए। और ये मैच समाप्त, और कॉर्बेट एफसी ने यह मैच जीत गई है। जेएफसी की टीम रेड रंग के पोशाक में, वहीं कॉर्बेट एफसी ब्लू और ब्लैक के पोशाक में थी।